हेलो व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि जेई मेन्स को अब देखो खाली 8 से 10 दिन बचे हैं। तो आई नो ये फेज बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू दिस फेज। तो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs, कमेंट्स में भी लोग बोले कि दीदी कुछ जेई मेन्स के लिए कुछ लाओ कि क्या करना है अब एंड में। बहुत लोगों की परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी अच्छी नहीं रही जितना एक्सपेक्टेड था, तो अब दे आर वेरी कन्फ्यूज कि आगे क्या करना है। एंड ऑब्वियसली मेरे को भी ऐसा लगता था उस समय कि कोई बता दो भाई कि करना क्या है। तो डोंट वरी, आप आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे चैनल पे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि बहुत ही फोड़ू भैया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वीडियो के एंड तक बहुत लोगों के वो क्रश बनने वाले हैं, बहुत क्यूट बंदा है वो। तो चलो यार बिना लेट किए हम बात करते हैं उससे। तो यार तन्मय आ जाइए। हेलो। तो यार तो आज हमारे साथ है तन्मय बिष्ट। इन भैया ने बहुत कुछ फोड़ा है लाइफ में। अभी इज़ करेंटली परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU। और बता दूं मैं आप सबको कि JEE मेंस में इनका ऑल इंडिया रैंक 354 था। और सबसे ख़ास बात मुझे तन्मय की ये लगती है कि इसने बिना कोचिंग के ये रैंक हासिल की है। तो जो लोग भी मुझे पूछते हैं ना कि दीदी कोचिंग कौन सा करे, कहाँ से करे, तो यार देखो ऑब्स्टेकल जितने भी आएंगे अगर विल होगा ना तो आप ज़रूर कर लोगे। तो यार तन्मय ऑडियंस आपका वेट कर रही है, बिना लेट किए सबसे पहले स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। तो पहले आप ये बता दो कि एकदम स्टार्ट से शुरू करते कि कैसे ये सब चालू हुआ, कैसे तुमने सोचा कि मेरे को IIT में ही जाना है, ये किसने बताया कि कहाँ से आइडिया आया? बेसिकली जहाँ तक मुझे याद आता है कि when I was in 6th or 7th standard मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था। तो उसमें मेरे पापा और मैं कभी कभी न्यूज़पेपर देखा करते थे। तो जब भी जेई एडवांस का आया, IIT JEE का रिजल्ट आया करता था, तो उसमें रिजल्ट तो हुआ करते थे दैट AIR1 इज बैक्ड बाय सम रेड्डी फ्रॉम साउथ इंडिया, ऐसे ऐसे करके। तो मेरे पापा भी मेरे को कहते थे कि देखो करके इनकी रैंक आ रही है, तुम भी ऐसे अपना नाम रोशन करना। तो कहीं ना कहीं पहले मोटिवेशन मेरे को वहाँ से आई कि मैं भी ऐसा एग्जाम क्रैक करूंगा एंड ऑल। IIT में आना बाद में डिसाइड हुआ, JEE क्रैक करना पहले डिसाइड हो गया। अच्छा, तो लाइक आपको पता था कि IIT क्या होता है उस समय? उतना उस टाइम पे तो नहीं पता था। 9th-10th में आते आते जैसे जैसे साइंस स्ट्रीम में आते गए अपन को पता चलता गया। उस समय बस यही था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड JEE जो बहुत टफ होता है, कुछ लोग क्रैक कर पाते हैं, हम भी करेंगे। ये जोश तो ये रहता है कि यार JEE करना, सब कर रहे तो मुझे भी करना है। तो यार आपने कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना? प्रिपरेशन में कॉम्पिटिटिव स्टडी जो थी वो तो आई गेस 8-9 से स्टार्ट कर दी थी मैंने। बाकी JEE स्पेसिफिक स्टडी में कहूँगा 11 से ही स्टार्ट करी मैंने, जब पैंडमिक वगैरह स्टार्ट हुआ था हमारे टाइम में, उसके बाद 11 से स्टार्ट करी। ग्रेट, मेक सेंस। चलो तो यार तन्मय, जैसा कि तुमने बताया अभी दैट यू स्टार्टेड योर JEE प्रिपरेशन क्लास 11th, राइट? तो एक बार जल्दी से हम सबको बता दो कि लाइक ये 2 साल प्रिपरेशन कैसा रहा, अपना प्रिपरेशन जर्नी बेसिकली। प्रिपरेशन जर्नी यार मैं कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग रही, आई फील नॉस्टैल्जिक टू थिंक अबाउट इट। इट वाज परहैप्स द मोस्ट आई वुड से मैच्योर फेज ऑफ माय लाइफ। ओके, एंड आई स्टिल रिमेंबर यार दिन भर पूरा पढ़ाई करने के बाद ही रात को सोने से पहले एक ना एक बार थॉट आता था यार कि आगे चल के क्या होगा, इतनी मेहनत कर तो रहा हूं बट विल इट बी फ्रूटफुल और नॉट। यार ये कहीं ना कहीं रहता है, कितना भी मेहनत कर लो एक डाउट रहता है। ट्रू, टेंशन रहती है। तो बट उसमें भी एक अलग थ्रिल था यार, दैट थ्रिल यू नो वाज द यू नो सोर्स बिहाइंड मोटिवेशन। फिर अगले दिन उतनी और एनर्जी के साथ वापस आके अलग जाना। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यार 11th में स्टार्ट किया था मैंने फिजिक्स और मैथ्स, काफी अच्छा पिकअप लिया था मैंने। जैसे स्टार्ट होता है मैंने लग गया था कि JEE करना है, JEE करना है। बट केमिस्ट्री में यार मैं कहूंगा थोड़ा सा मैं लेजी हो गया था, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग के 3-4 months मैंने मतलब केमिस्ट्री ना के बराबर पड़ी थी, काफी ज्यादा बैकलॉग मेरा बन गया था केमिस्ट्री। यार ये चीज मैंने नोटिस की, काफी लोगों के साथ केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। ये मतलब था ऐसा, बैकलॉग काफी बन गया था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या बन ही नहीं रहे, JEE के मैं PYQs देखता था। कहीं ना कहीं माइंड में आया ख्याल कि यार थोड़ा सा एफर्ट फिजिक्स और मैथ्स में कम करके केमिस्ट्री में ज्यादा। तो यार केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? 11th में मैं कहूंगा यार फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो फिर भी मैंने संभाल ली थी, बट जीओसी वाला जो पार्ट था बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा वो काफी वीक हो गया था। बेसिक ही वही है, बेसिक ही। हां मतलब फाउंडेशन ही आपकी वीक हो गई यार, आगे कैसे पढ़ोगे। अब 12th में फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई तो फिर उसमें भी दिक्कत आने लगी। तो मैंने फिर क्या किया कि यार बाकी सब गया अभी भाड़ में, अभी सब कुछ रखो साइड, अभी आप जीओसी कवर करो पहले। तो मैंने
I devoted one full week to the GOC itself. Okay. Starting के एक या दो दिन पहले पूरा थ्योरी पढ़ी, उसके बाद फिर किताब से जितने भी मतलब MCQ लगा सकता था लगा लिए, और लाइक फिर उस लेवल पे मेरी GOC पहुंच गई कि मैंने विदिन थ्री और फोर वीक्स पूरा जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट था वो पार्ट टू पूरी केमिस्ट्री की आई वॉज एबल टू कवर दैट। ओके नाइस। तो यार ये प्रॉब्लम रहता है बच्चों का कि बैकलॉग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैकलॉग यार बनते ही है, सबके बनेंगे, टॉपर्स के भी बनते हैं। अच्छा सुन लो गाइस, टॉपर्स के भी बनते हैं बैकलॉग। बैकलॉग तो मैं कहूंगा अगर आपके बैकलॉग बन रहे हैं देन इट्स अ साइन दैट योर प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क। ओके दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। लाइक क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि दीदी मेरे बैकलॉग बहुत हो रहा, मेरा कहां ही होगा प्रिपरेशन, मतलब जेई क्लियर कहां ही होगा। नहीं नहीं, बैकलॉग इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी यार। पॉजिटिवली लो या लो आलो पता नहीं बन रहे हैं तो, बट उसको फिर टैकल करना पड़ेगा, टैकल करना आना चाहिए आपको। यू नीड टू यू नो प्लान अ वेरी वेल शेड्यूल्ड यू नो स्टडी प्लान फॉर दैट, उसके हिसाब से फिर आपको बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो अभी चल रहा है करंट उसको साइड में रख के एक दो दिन पहले उस बैकलॉग को देना पड़ेगा। अच्छा, वंस यू आर ऑन विद इट कंप्लीट हो जाता है वो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा ग्रेट ग्रेट। तो यार तन्मय एक क्वेश्चन में दिमाग में कब से चल रही है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस, कि जो तुमने बताया कि तुम बिना कोचिंग के यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 354 जो कि बहुत बड़ी बात है यार। तो ये चीज़ मेरे को जाननी कि कैसे हुआ, आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि ये कैसे हुआ ये सब कुछ बिना कोचिंग के, मेरा डिसीजन ये हुआ कैसे। आई गेस सी मैं दो पॉइंट्स बोलूंगा आप इस फेवर में। पहला पॉइंट तो ये था कि अपन की जो प्रेपरेशन थी वो पैंडेमिक टाइम में हुई है। अच्छा राइट राइट ऑनलाइन राइट। ऑफलाइन कोचिंग नाम की उस समय एग्जिस्ट कुछ करता नहीं था चीज, और सब कुछ ऑनलाइन ही था मतलब। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप घर में भी फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो तो बेसिकली वो भी काइंड ऑफ ऑनलाइन कोचिंग बट वो रहता है ना, घर पे पढ़ाई का थोड़ा मोटिवेशन नहीं आ पाता बच्चों को, लाइक आलस कहीं ना कहीं वो आ जाता है। आता है थोड़ा सा आपको वहां पे विल पावर एंड डिटरमिनेशन दिखानी पड़ेगी। बाकी आजकल ऑनलाइन तो कंटेंट इतना हो गया है कि आप मतलब आप में विल पावर है तो ऑफ कोर्स नोबडी कैन स्टॉप। तो ये सही बात बोला एकदम। तो कंटेंट की कमी नहीं है यार, अपने अंदर मोटिवेशन को जगाओ, विल पावर लेके आओ, और मतलब The world is offering you every content. आपके अंदर बस चाह होनी चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल है, फ्री में वो भी। फ्री में वो भी। और फ्री में नहीं भी तो कुछ आप कोर्स वगैरह भी ले सकते हो, या फिर बुक्स वगैरह मटेरियल खरीद दिया, that is more than sufficient। तो यार तुमने कहाँ से पढ़ के, like what all the resources you used during your preparation? उसके लिए मैं बोलूंगा यार, मैं बुक्स काफी ज्यादा फॉलो करता था। अच्छा। जिनमें से कुछ कोचिंग के मटेरियल्स भी मैंने ले रखे थे, यूज करता था मैं, बिकॉज सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, राइट? ट्रू ट्रू। कोचिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं जरूरी है, राइट राइट। कोचिंग का मॉड्यूल जो होता है वो आपको बताता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, करेक्ट करेक्ट, जो वो ब्रेन उसके लिए मैं वो यूज करता था। बाकी थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए फिजिक्स में मैंने रेसनिक लेडी वॉकर पढ़ी है। अच्छा, थोड़ी बहुत एचसी वर्मा भी पढ़ी है। और तो एचसी वर्मा के क्या, लाइक सॉलिड एग्जांपल्स की एक्सरसाइज कैसे? मैं काइंड ऑफ सभी करता था। अच्छा ठीक है, मतलब सारे तो नहीं कहूंगा बट जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था वो कवर करता था। ओके। और क्वेश्चंस के लिए लाइक मेंस में तो मैं कहूंगा कि पीवाईक्यूज वगैरह कवर अप कर लो, एचसी वर्मा मोर देन सफिशिएंट। तो यार ये पीवाईक्यू लाइक लोगों को, बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि कहां तक का पीवाई दीदी करे, तो इस पे क्या? तो यार आजकल आपको पता है कि जेईई मेंस एनटीए करवाता है, राइट? और एनटीए ने इस पे यार नो कमेंट्स, बट ठीक है, एनटीए ने जेईई मेंस की जो ले रखी थी कमान अपने हाथ में 2018 या 19 से, तब के बाद आई गेस तुम्हारे पास सफिशिएंट 30 to 35 पेपर्स होंगे, और हर में 30 क्वेश्चंस है तो आपके पास हर सब्जेक्ट के अराउंड 900 क्वेश्चंस। हां, बीच में तो लाइक चार शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो एनटीए वाले सारे क्वेश्चंस लगा लो यार। मैंने 2022 में दिया था, मैंने कितने लगा लिए थे, अब तो 24 आ गया, तो और कितने होंगे। एंड आई हैव सीन कि क्वेश्चन के पैटर्न बहुत सिमिलर से रहते, बस वो डेटा थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। वो टाइम अलग था जब जेईई मेंस जो था वो भी थोड़ा आया करता था, एनटीए ने थोड़ा रेपिटेटिव काइंड ऑफ, अब तो लाइक थोड़ा सा भी मेहनत कर लो तो आराम से हो जाता है। एग्जैक्टली, अब मतलब आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ब्रेथ में कवर करो। मेक सेंस, मेक सेंस। तो यार तन्मय एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, तो यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यार ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि किसी ने कह दिया 12-13 घंटे पढ़ते हैं, राइट राइट, पड़ोस में तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू बी ऑनेस्ट, कितना मतलब वो फोकस के साथ पढ़ रहा है, राइट? मेरे केस में क्या था कि इट वेरीड फ्रॉम 3 to 6-7 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द डे, किसी को कम लग सकता है, बट राइट, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, दैट मैटर्स, लाइक इट्स अबाउट द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एग्जैक्टली, राइट। बाकी एनवायरनमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। कोई किसी को पसंद होता है 10-12 घंटे भाई पढ़ सकता है यार, लेकिन वो हो नहीं पाता। हाँ भाई,
7 to 8 hours study is more than sufficient. यार इतना ज़्यादा ज़ुल्म भी मत करो अपने ऊपर. True, true. But आजकल क्योंकि जी मेंस इज़ अराउंड द कॉर्नर, कर सकते तो कर लो यार. तो यार तुम्हारा इस टाइम पे लाइक जब एग्जाम पास आने वाले थे तो कैसा स्केड्यूल था तुम्हारा? स्केड्यूल मेरा ऐसा था, I was a night owler, रात को पढ़ता था मैं. ये मैक्सिमम लोगों के साथ आई गेस, मेरे साथ भी यही था कि मैं रात में पढ़ती थी, दिन में सोती थी. ढाई तीन बजे तक मैं पढ़ता था, सुबह अच्छा. आराम से 9-10 बजे उठे, राइट राइट वगैरह हुए दिन में, फिर 3-4 घंटे की एक पूरा स्ट्रेट यू नो करता था वर्कआउट वन गो पे. सेटिंग अच्छा, ठीक है ठीक है. नैप लेना मत भूलना यार, आधे घंटे का नैप इज यू नो रिक्वायर्ड, वरना फिर ये होता ना बच्चों को ऐसा लगता नहीं मुझे पढ़ना है फिर कुछ हो नहीं पाता है, रेस्ट नहीं करते, माइंड की एनर्जी कम हो जाएगी, उतना आएगा नहीं, आप पढ़ रहे हो एफर्ट डालो मन लगेगा नहीं, अंदर कुछ भेजे में जाएगा नहीं. तो यार प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है, इतना खुद को मतलब हेक्टिक नहीं करना इतना ज्यादा, नैप स्लो अपने और बाहर थोड़ी आउटपुट आउटिंग भी करो अपनी, ये नहीं कि घर के अंदर ही बुक, दैट इज वेरी टूटन में राइट. और इतना कुछ ये भी नहीं कि अब सिर्फ बाहर ही घूमते रह गए यार नैस होने में लगे रह गए, पढ़ाई भी करो 2 या 3 like बैलेंस होना चाहिए. हाँ, 2 या 3 घंटे आपने पहले एक गो में स्टडी करी, उसके बाद हाफ आवर का नैप या बैडमिंटन खेल लिया जाके या कुछ कर लिया, मोबाइल वोबाइल मत चलाना, आईज को रेस्ट देना अपने. करेक्ट करेक्ट. तो तुम क्या करते थे लाइक इस रेस्ट में पीरियड? यार आई लाइक वॉकिंग, हेडफोन्स डाले अपने, निकल गया गाने वाने सुने अकेले अपना, अकेले निकल गया, गार्डन था मेरे घर के पास, अच्छा वहाँ एक वॉक मार के आ गया अपने आज भी, या कोई नॉवल वगैरह है तो वो कभी कभार पढ़ ली, बैक टू द जॉब, फिर 2-3 घंटे और सिटिंग में बैठ. करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस. ओके तो यार तन्मय लाइक अभी तुमने बताया अपने स्केड्यूल के बारे में तो मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, लाइक व्हाट यू मेंशन कि रेस्ट भी करो, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यार मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से लाइक बोर्ड्स और जेई साथ में, तो इस पे व्हाट वुड यू से कि लाइक कैसे मैनेज करें बोर्ड्स को भी और जेई को भी, क्योंकि आजकल ही क्राइटेरिया हो गया ना कि बोर्ड 75% चाहिए ही, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दीदी जेई का पढ़े कि बोर्ड्स का पढ़े, तो इसमें कैसे करे? देखो यार इस बार के एस्पिरेंट्स के लिए तो अभी ज्यादा बोर्ड एग्जाम था, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं वैसे, एक एग्जाम ही बचा है, राइट राइट. जो आगे आने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा यार, जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स है वो तो तुम्हारा जेई से ही हो जाएगा. ओके okay. अगर तुम जेई की थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद तुमको जस्ट सीबीएसई बोर्ड्स के लिए पीवाई कुछ लगाने एक दो साल लिखने का स्टाइल आना चाहिए. बाकी एग्जाम्स के लिए देखो सीबीएसई आजकल बहुत अच्छा ही डेट शीट बनाता है, मैं तो कहता हूँ काफी ज्यादा गैप्स भी देता है, ये तो है राइट राइट. कोई भी एग्जाम कवर अप करने के लिए सफिशिएंट होता है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, एक हफ्ते में आप कुछ भी पढ़ सकते हो. और उसके बाद भी अगर थोड़ा आपको कहीं लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो 95-98% लेके आनी है बोर्ड्स में, तो दिन में 2 घंटे निकाल लो यार, 2 घंटे बोर्ड्स को डिवोट कर दो, बाकी 5-6 आवर्स जो आपके वो जेई को दे दो. अगर फिर भी मतलब ऑफकोर्स आएगा यार, फिर तो रिजल्ट आना बनता है. और आजकल वर्ल्ड इतनी कॉम्पिटेटिव हो गई है कि बोर्ड्स उतना देखे नहीं जाते, मैं बता रहा हूँ 75% लेके आओ, आसान होता लाना, उसके बाद लाइफ चल जाए, उसके बाद जेई पे ध्यान दो, लाइक फोकस उधर करो जहाँ रिक्वायर्ड हो. हाँ एग्जैक्टली, जेई इज द डिमांड राइट. True, okay. to make sense, यार. तो यार तन्मय लाइक मॉक टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो लाइक तुमने कैसे कहाँ से मॉक टेस्ट दिया, प्लस क्या फ्रीक्वेंसी थी मॉक टेस्ट की? फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो जेई मेंस व्हेन इट वाज 1 month अवे, मैं वीक में अराउंड 2 mock tests दिया करता था, okay. एक वेंसडे को और एक संडे को. अच्छा, 3 hours की एक सेटिंग होती थी, पूरी कंप्लीट सेटिंग होती थी. अच्छा ठीक है, नहीं था उसमें, था अपने आपको रूम में लॉक कर लो, राइट. और मैंने कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी थी, बेसिकली जो भी एनटीए के प्रीवियस शिफ्ट थी 2018 19 वगैरह की, अगर आप किसी कोचिंग में अनलोड आपके पास और रिसोर्सेज आप उनको भी कर सकते हो मॉक, लेकिन देने पड़ेंगे यार. हाँ मॉक देना मत भूलना, तो लाइक यार बच्चे ना मॉक देने से डरते हैं कहीं ना कहीं कि यार कम नंबर आ जाएंगे. डरोगे जो कहाँ पे गलती हो रही हो तुमको मॉक से, एग्जैक्टली दूसरे तुमको कोई जज करने नहीं वाला, इट्स ओनली अबाउट यू, तुमको खुद ही देखना है कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कुछ मिस हो रहा है. ट्रू, मेक सेंस यार. और उसी के हिसाब से फिर बिल्ड अप. तो जैसे ही तुम्हारा मॉक तुमने दे दिया उसके बाद तू एनालाइज करता था उसको, टेस्ट को एनालाइज? यार ऑफ कोर्स, अगर आपने 3 घंटे मॉक देने में दिए हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे आप एनालाइज करने की दो उसको, जो आप उसके बिना कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, दे दिया गलती पता नहीं चला.
हर एक क्वेश्चन में जो भी आपने गलत किया है उसमें गो थ्रू द टॉपिक वंस अगेन, 10-15 मिनट पहले पूरा दो और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस और देख लो। अच्छा ओके, उस सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड। हां उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो आपने सही किए उनमें भी लाइक कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं थे, थोड़ा बहुत फ्लूक के चांसेस भी थे, उसको रिविजिट मार लिया। अच्छा, तो बॉटम लाइन इज की अगर 3 घंटा मॉक दे रहे हो 2-2.5 घंटा यार एनालाइज करने में भी दो, यानी कि बस दे दिया और आगे 200-250 नंबर। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं करते उस चीज को, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज भी करो, क्योंकि एनालाइजेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट देना है। राइट तन्मय, ऑल राइट तन्मय, जैसे जेईई मेंस को अब हार्डली लाइक 8 से 10 दिन बाकी है, तो इसमें व्हाट वुड यू सजेस्ट कि लाइक क्या करना चाहिए बच्चों को ये 8 से 10 दिन में, जिससे उनका रिजल्ट और भी ज्यादा बूस्ट अप हो जाए? यार पहली चीज मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक तुम्हारी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थी उसको थोड़ा सा कम करने का ट्राई करो, लाइक जो नेक्स्ट 5 डेज है उसमें चलो 2 मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद फिर उन नेक्स्ट 5 डेज में कुछ मत देना। अच्छा, लास्ट के 5 डेज में कुछ नहीं, क्या करना है? नोट्स जो बना रखे होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करना। अच्छा, और जितना भी मतलब रिवाइज कर सकते हो करना, और जो कि आपका सेशन 1 हो गया है उसके बेसिकली ट्राई टू यू नो कवर अप ऑल द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया थोड़ा, तो मेरे पास मैसेजेस काफी आते हैं कि दीदी खराब चला गया, तो काफी डिस्करेज हो गए वो। डेस्परेट थोड़ा सा नहीं हो तो यार बेटर होगा, बिकॉज आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट वाला भूल जाओ, कुछ मिस्टेक हुई उनको ध्यान में रखो, 10 दिन है आपके पास, ट्राई टू डू योर बेस्ट, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो फटाफट, जो मैंने बताया फर्स्ट टाइम भी सारे क्वेश्चन सारी शिफ्ट को रिवाइज कर दो एक बार, सारे क्वेश्चन लगा दो और नोट्स बना लेके उनको रिवाइज करो। फर्स्ट अटेम्प्ट का अगर बेकार भी हो गया तो स्टिल यार एक और अटेम्प्ट है तुम्हारे पास और मेन उसके बाद एडवांस होने वाला है, तो सेकंड में जितना बेस्ट कर सकते हो करो। लाइक लक बेस्ड होता है तो लक को छोड़ के मेहनत वाली चीज हमारे हाथ में, तो वो चीज तो हम अच्छे से करें दम से अपने से पूरी रखो, बाकी लक तो बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। exactly, यार ये करता था ये आप अच्छी बात बोली। हाँ मेक सेंस यार। तो यार इन शॉर्ट अभी तक जितना मुझे समझ में आया तुमने ये बोला कि अभी जो 10 दिन बाकी है उसमें बेसिकली जो मॉक टेस्ट हमने दिया है बच्चों ने उसको अच्छे से एनालाइज कर लो सबसे पहली चीज। राइट, मॉक टेस्ट एनालाइज करो, जो भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अभी तक एग्जाम सारे हुए सारे की शिफ्ट लगा दो। हाँ हाँ, नोट्स सारे के सारे रिवाइज कर लो। करेक्ट करेक्ट, और एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, यही मेंस है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री स्पेशली मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कहते हैं ना किताब चाट दो एनसीईआरटी को चाट दो। करेक्ट, हर क्वेश्चन ही आएगा। हां हां मेक सेंस। और मॉक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देना, अगले 4-5 दिनों में 2 मॉक दे दो। लाइक ऐसा होता है ना एंड के डेज में मान लो टेस्ट ये खराब चला गया तो पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एग्जैक्टली, और अपना थोड़ा स्लीप शेड्यूल ठीक कर लेना, ये नहीं कि एग्जाम के दिन एंड में लाइक एक मैसेज जो तुम जेईई एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो? मैं ये देना चाहूंगा कि यार सीरियसली तो लो ऑफ कोर्स एग्जाम को, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आगे और भी सारे टोटली अग्री यार। हां ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है उसको मतलब वो नहीं लेना, उससे सीखो अपनी गलतियों से और आगे आने वाले एग्जाम्स में फिर उसको। और एक चीज मेरे को लगता है लाइक जेईई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट योर लाइफ। आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होगी इस फेज में। तो यार ऐसा कोई फेज था तुम्हारे लाइफ में जब तुम बहुत डिस्करेज हो गए थे कि यार नहीं होगा मेरे से? यार मैंने बताया जब बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है ना मेरे अकाउंट में, लग रहा था कि यार केमिस्ट्री तो आई मीन हो गई, नॉट माय थिंग, फिजिक्स मैथ में संभाल लूंगा कैसे करके, बट केमिस्ट्री में पता चले 0 आ गया लास्ट में। तो वो 15-20 दिन काफी डिप्रेसिंग रहे थे, नहीं रात को नींद भी नहीं आती थी, बट टाइम देना पड़ा, एफर्ट मारना पड़ा, एफर्ट मारने के बाद इट वाज फाइन, धीरे धीरे ट्रैक पे आया मैं। तो वही है कि यार ट्रैक से इधर सब होते हैं, जो ऑफिस आने का पोटेंशियल लगता है जो कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे मतलब डिस्पाइट ये अप्स एंड डाउन्स जो चलते रहे, बस करते रहे मेहनत। या फिर
दिस वॉज तन्मय बिष्ट फॉर यू एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे. तो यार तन्मय थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, अपना टाइम दिया. बाय द वे नॉट टू मेंशन तन्मय अभी घर जाने वाले, 2 घंटे में हमारी छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, फिर भी तन्मय आया, तन्मय ने गाइड किया आप सबको एंड आई एम वेरी श्योर कि बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हारी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी से. मुझे भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगा जब मैंने पहली बार तन्मय की स्टोरी सुनी थी. तो यार तन्मय तुम्हें कुछ बोलना है तो प्लीज़. बस मैं क्या कहूँगा, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. आराम से टेंशन फ्री होके जाना, एग्जाम देना और पढ़ के आना, और तो क्या ही बोलूँ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. तन्मय की इंस्टा आईडी में से कोई नहीं मांग रहा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं नहीं देने वाली हूँ. ठीक है ना, चलो.